एक नया दिशा देने का काम करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है इस उपचुनाव में आपका केला छाप में मतदान कीजिएगा। करने का कारण भी है कि आज लगभग 3.5 वर्षों के दरमियान हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल को आप लोगों ने देखा कि हेमंत सोरेन जी जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय जगह जगह घूम घूम के सीना ठोक ठोक के बोल रहा था कि एक बार जनता की जनता मुख्यमंत्री बनाओ। मोर्चा रिश्तेदारी के आंदोलन को खरीदने वाले कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र था कि हम हर घर में नौकरी देंगे, क्योंकि उसको तो रोकना है। झारखंड का मतलब ही क्या है? आपने देखा दोनों गठबंधन मिलकर और राजद का गठबंधन मिलकर किस तरह से यहाँ के लोगों को फंस के पहला फसला के वोट दिया। वोट देने के बाद 3 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद के गठबंधन सरकार ने बिजली की स्थिति क्या किया, यहाँ के किसानों की स्थिति क्या हुआ, यहाँ के बेरोजगारों का रोजगार क्या हुआ, यहाँ के मां बहनों का मान सम्मान की भी क्या किया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूरे झारखंड को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम इन लोगों ने किया है। आप लगातार आप देखते होंगे सुनते होंगे कि इनके कितने सहयोगी जेल जा चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी समान 2-3 बार आ चुका है। अब झारखंड को लूटेगा लोग देखेंगे तो ये भी तो गलत बात है। तो बोलता है कि झारखंडी बेटर काम कर रहा है, झारखंड को लूटेगा तो जेल कौन जाएगा, हिंदू मत तो जेल जाएगा। इसलिए आप लोगों ने देखा, चलिए देखना है तो चलिए कि किस तरह से झारखंड को लूट रहा। चोला आए दिन हजारों हजारों कोई नौकरी जा रहा है, आप लोग उसको जेल भेजवा दिया जा रहा है, कोई कोई खिलाफ कर रहा है उसको झूठा मुकदमा कर दिया जा रहा है। ये स्थिति आज क्या हुआ है? आप लोगों ने देखा कि सरकार बनने के बाद लगातार हम पर 30 मुकदमा हेमंत सोरेन ने करके आपको जेल भिजवाया। कारण यही था कि इनके अवैध माइनिंग के दौरान हमारे घर के बगल में हजारों की संख्या में लोग कौन लोग आदिवासी गरीब गरीब लोग दबा मरा। इस बात को मैंने विधानसभा में जोरदार तरीके से रखने का काम किया। इस तरीके से हमने रखने का काम किया कि हेमंत सोरेन के जितने कार्यकर्ता जेएमएम के नेता है कहता है कि हेमंत तो हिम्मत है। मैंने भी विधानसभा में कहा हेमंत तो हिम्मत है, तो मेरा चुनौती को स्वीकार करो। एक एक दिन में 300 आदिवासी लोग के मर रहा है, इसका जांच करवाओ अगर गलत होगा हिंदू मां को जेल जाएगा, अगर चोटी होगा तो हेमंत सोरेन को जेल जाना होगा। और हमने जोरदार तरीके से बात कहा था, तुरंत हम पर आया केस करके जेल भिजवा दिया। तो हेमंत सोरेन सोच रहे हैं कि हिंदू मातों पर यहाँ के गांव के लोगों पर यहाँ के गरीब आदिवासी गरीबों पर केस करवा के जेल भिजवाने से यहाँ के लोग धर्मी हो गए क्या? ये हेमंत सोरेन के सोचना भूल गए। झारखंड को लूटने का वोट हेमंत सोरेन को किसी भी कीमत पर दिया नहीं जाएगा। हेमंत सोरेन का वोट झारखंड के लोगों ने झारखंड के विकास के लिए दिया है, ना कि झारखंड को लूटने के लिए दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राज्य में बिजली की व्यवस्था स्थिति समाप्त हो चुकी है। 2 घंटे में 1.5 घंटे भी बिजली नहीं रहती है। यहाँ के किसानों का स्थिति क्या हो रहा है? यहाँ सिंचाई करने वाले हमारे किसान बंधुओं को क्या होता होगा? इसलिए उपस्थित भाई बहनों, मैं आपसे ही आग्रह निवेदन करने के लिए है, ये चुनाव मगर ये चुनाव को हेमंत सोरेन के मनोबल झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का मनोबल गिरे कि कहीं ना कहीं हम झारखंड के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार भरत किए हैं, इसी के महीना में जवाब होते तौर पर जवाब देने का काम किया। आज भी हम आपको आग्रह निवेदन करने के लिए विनती करते हैं कि झारखंड को बचाना है तो आज का गठबंधन हमारे बीजेपी और आज का गठबंधन हमारे जसोदा देवी का आप लोग वोट और केला घाट में वोट देकर मोदी जी का हाथ को मजबूत कीजिए। देश आज की स्थिति से गुजर रहा है, किस परिस्थिति से गुजर रहा है, क्या मोदी जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सारे लोग देख रहे हैं। मगर झारखंड राज्य को देश को लूटने के लिए ये लोग एक लूट गठबंधन बनाया है कि हम झारखंड पर देश को कैसे लूटे। सारे वोट के लोग सारे व्यक्तिगत गठबंधन बनाकर के मोदी जी नहीं आना चाहिए, मगर राज्य और देश की जनता अगर जिसको चाहेगा उसको वोट देते वोट बार बार वोट देकर रुक जाएगा। इसलिए हम आप लोगों को यही आग्रह निवेदन करने के लिए आए कि इस डुमरी उपचुनाव में आप जसोदा देवी को जरूर वोट दें ताकि झारखंड का एक
नया दिशा मिलेगा, नया उमंग मिलेगा, नया जोश मिलेगा, हेमंत सोरेन का मनोबल तो गिरेगा और गिराना बहुत अति आवश्यक है, नहीं तो झारखंड को बचा नहीं सकता। जो कि आप अपने काम में कितने आए हैं, कितने आपका कितने उनके सहयोगी, अब तस्वीर में हेमंत सोरेन में गिर जाने वाला है, किस तरह की स्थिति बना हुआ। तो जो राज्य का मुखिया ही चोर है, मुखिया ही लुटेरा है, उसके लोग पर विश्वास क्या कर सकते हैं। झारखंड में एक भी ऐसा कोई काम बतावे हेमंत सोरेन के हमने काम करे जनहित में काम हुआ है। 1932 का बात करने वाले सिर्फ पर लोभन देने का काम किया, जबकि वहां के उनके सलाह मतलब जो उनके सलाहकार थे उन्होंने भी स्पष्ट रूप से अखबार में लिख दिया था कि हमने स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि ये लागू नहीं हो सकता है, आप गलत नीति के तहत इसे लागू करने जा रहे हैं। मगर आनंद आनंद में वो चुनाव में घोषणा तो कर दिया था, लोगों के बीच में सर्विक दिग्भ्रमित करने के लिए घोषणा किया था। इसके ऊपर के भाइयों बहनों 75% आरक्षण यहाँ बगल में टीवी से कितना तेजों से लोग काम कर रहे हैं, बगल में माइक हो रहा है, कहां से लोग कितने काम कर रहे हैं, जो जो काम मांगने जाता है या आंदोलन करने जाता है, नियम का मजदूरी मांगने जाता है वो गुप्ता के अपनी जेल भेजवाता है। इन्होंने कहा है कि 75% आरक्षण हम प्राइवेट सेक्टर में देंगे, मगर आज चलिए पर हमारा एक भी दो यहाँ के लोग नहीं है, एक भी यहाँ के गाँव के लोग नहीं है, गरीब लोग नहीं है। हम लोग जब जब आंदोलन किए तब तक हम लोग मुकदमा करके जेल भेजा और हम सारे के साथ कह सकते हैं हेमंत सोरेन को अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बना है। टीपू सोरेन के आंदोलन का परिणाम है कि मुख्यमंत्री बना, मगर टीपू सोरेन ने भी 1991 में झारखंड को देखने का क्या तो देखा, झारखंड को बचा नहीं सकता। इसलिए भाइयों बहनों मैं आप लोगों से यही आग्रह निवेदन करने की जाए, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव झारखंड का भविष्य तय करने जा रहा है। इसलिए आप 5 तारीख को 13 अपने वोट दीजिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।